अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं अली दादा। आज भाई हम आपको इस 4G 4G स्टार को जरा चला चला के इसलिए बताएंगे कि बहुत ही ज्यादा भाइयों का कमेंट्स था कि भाई यार इसमें इतने ज्यादा फंक्शन नहीं है जितने आपने हमें बता दिए हैं। तो इसीलिए मैं इसको आज पूरी तरह आपको चला के टिकटॉक वगैरह हर चीज का बकायदा रिव्यू दूंगा कि भाई यार इसमें हर चीज वर्किंग में है। और अगर इसके हॉटस्पॉट की बात की जाए तो इसका हॉटस्पॉट भी बहुत ही अच्छा चलता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए तो भाई बहुत ही ज्यादा भाइयों ने कहा कि भाई यार ये इस तरह नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसकी सर्विस नहीं है। मैंने सबसे पहले यही बताया था भाइयों को कि भाई यार इसमें जो सिम आपने डालनी है ना, सिम आपके इलाके के हिसाब से वो होनी चाहिए जो आपको बहुत ही एक अच्छी सर्विस देती है। जिस तरह भाई कई इलाकों में हमें टेलीनॉर के बहुत ही अच्छे सिग्नल देखने को मिलते हैं, कई इलाकों में टेलीनॉर के सिग्नल अच्छे नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा कई में जायज है, कई में मुख्तलिफ से इलाकों में हर तरह की जो नेटवर्क अच्छा चल रहा है उसका अगर सिम इसमें आप डालेंगे तो ये 4G स्टार में बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट अच्छा होने वाला है। इसीलिए मैं इसको अनबॉक्स भी किया, आपको पहले भी मैंने वीडियो बना के दिखाई कि भाई यार ये क्वालिटी ये है, कंपेयर भी किया जायज 4G के साथ। तो बहुत ही ज्यादा भाइयों ने बोला कि यार इसमें इतने ज्यादा फंक्शन नहीं है, हमें इसकी कोई लोकल कंपनी है हम नहीं लेंगे, हॉटस्पॉट इसका अच्छा नहीं होगा। तो आज मैं आपको बकायदा चला के इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा और बैटरी बैकअप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली फिर इसे यूज किया कम 15-20 दिन इसको यूज किया। तो मैंने यूज करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और भाइयों को चला के भी दिखाई जाए, क्योंकि भाइयों का जो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि जरा थोड़े परेशान है कि इस डिवाइस को लेकर के भाई नहीं यार इसका बैटरी इसका ही हॉटस्पॉट अच्छा नहीं होने वाला, ये एक लोकल कंपनी है। तो इन सारे मसलों को हल करके मैं आज एक अच्छी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों का जो ये थोड़ा कंफ्यूजन है ये दूर हो सके। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ कॉलमी का 4G हीरो। इसको आपको चला के बकायदा यूट्यूब टिकटॉक जो मैंने फंक्शन बोले, कई भाई बोल रहे हैं भाई यार ये बस दिए हुए हैं ये चलते नहीं है, तो मैं इसको चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे नए चैनल पर नए आने वाले भाई हमें लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर ले ताकि अच्छी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चले हैं वॉच करते हैं और इसको मुकम्मल टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा डब्बे की डिस्क्रिप्शन में उन्होंने सारे फंक्शन हाईलाइट कर दिए होंगे। जिस तरह बोल रहा है कि भाई दो सिमें आप डाल सकते हो इसमें, जिस तरह भाई ये नहीं है कि आप एक किसी पर्सनल की डाल लें, जिस तरह जैस 4G में ये था कि भाई आप अगर एक जैस की डालेंगे तो एक को कोई और नेटवर्क भी इसमें चल सकता है, इस तरह नहीं है। इसमें इसमें बस आप एक कौन सी मर्जी सिम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये मैंने हाईलाइट करके उन्होंने लिखा हुआ है, 2.8 का डिस्प्ले बहुत अच्छे आने वाला है। मेमोरी रैम की बात की जाए तो 2 GB और 16 GB मेमोरी के साथ और रैम के साथ इसको दिया गया हुआ है। बकायदा अगर जैस 4G की बात की जाए तो उसमें 1 GB और 512 MB की अभी तक डिवाइसेस चल रही हैं। इसके अलावा अगर इसकी बैटरी सबसे जो सुपर और अच्छी क्वालिटी इसमें डाली गई हुई है, दो जैस 4G में तो 2000 mAh 3000 mAh बस इससे आगे उन्होंने बैटरी नहीं डाली हुई। ये कॉलमी 4G हीरो जो है उन्होंने बहुत एक अच्छा और पॉपुलर फैक्ट इसलिए बना दिया गया हुआ है कि उसमें उन्होंने 4000 mAh बैटरी डाल दी है। डुअल स्मार्ट कैमरा, मतलब दो कैमरे इसमें डाल दिए हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। किसी भाई ने पूछा भाई आप ये बस बता रहे हो है कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको जरा वादे आपको आज मैं बताऊंगा। वाईफाई की जिस तरह आपको सब ये नजर आ रही है, MTEC का इसमें चिपसेट लगा दिया गया हुआ है जिसमें भाई आपको बहुत ही अच्छी लुक देने वाला है और बैटरी टाइमिंग होने वाली है। चले इसको साइड पे करते हैं और आपको इसका बकायदा रिव्यू देते हैं और चला कर टेस्टिंग करके बताते हैं जो आज वीडियो बनाने का मकसद है। सबसे पहले मैं अब अगर इसकी चार्जिंग की बात करूं कि भाई लोग बोलते हैं भाई यार हम जैस 4G वगैरह दूसरे फ़ोन ले लेते हैं और 15-15, 20-20, 30-30 मिनट चार्जर ही लगाते रहते हैं और चार्जर नहीं होता। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो इसमें उन्होंने एक टाइप सी
चार्जिंग पोर्ट दी गई हुई है, बहुत ही एक फास्ट चार्जर देने वाली है। इसके अलावा इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरे की लुक भी बहुत ही अच्छी बना दी गई है, स्पीकर भी बड़ा बना दिया गया है, बैटरी 4000 mAh इसमें डाल दी गई हुई है जिससे आप इजीली अच्छा बैटरी बैकअप ले सकते हैं। टच एंड टाइप दिया गया हुआ है कि भाई अगर टच यूज करना चाह रहे हैं तो टच भी यूज कर सकते हैं, टाइप यूज करना चाह रहे हैं तो टाइप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने मेन्यू में ही व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक का ऑप्शन दिया गया हुआ है जिससे आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो आप व्हाट्सएप चला सकते हो, टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक आप चला सकते हो इजीली। इसमें आपको इंस्टॉल टिकटॉक मिलती है जो अक्सर भाई बोलते हैं यार नहीं चलती, आपको नजर आ रहा होगा ये टेस्टिंग, क्योंकि भाई टेस्टिंग वो फजूल टेस्टिंग नहीं होगी कि भाई यार इसको चलाएंगे नहीं मजा आएगा, ये नहीं। ये आपके सामने टिकटॉक मैंने अभी ओपन ही किया, नया ही फोन है, ये देखिए क्वालिटी आपको नजर आ रही होगी। आवाज आवाज की अगर बात की जाए तो आवाज बहुत ही अमेजिंग है। ये तो टिकटॉक हो गई, जिस तरह आप रेगुलर अगर किसी में यूज कर रहे हैं उसी तरह आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके अलावा अगर बात की जाए YouTube की तो YouTube को ओपन करते ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा भाई यार YouTube की स्पीड कैसी है। ये देखिए मैं YouTube को अगर ओपन कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड भी नेटवर्क के हिसाब से बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको भी ओपन किया और आपको ये ना महसूस हो कि भाई यार हम कोई फेक साथ काम कर रहे हैं, कोई फेक सी आपको दिखा रहे हैं, ओरिजिनल दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सेट का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस तरह मैं आपको सच अगर करके दिखाऊं, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, मैंने सर्च किया अपने चैनल को तो मेरा चैनल आ गया। सबसे पहले भाई आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई बहुत से लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारी मिल सके। बस थोड़ा सा ही देखिए, मैं आपको रिव्यू इसीलिए दे रहा हूँ कि भाई यार आपको ये महसूस ना हो कि भाई इसकी स्पीड नहीं है। आपके सामने टेस्टिंग के दौरान मैंने इसमें अपने इलाके हिसाब से सिम डाली हुई है, इसमें बहुत ही एक अच्छी स्पीड है। वीडियो को अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वीडियो की स्पीड बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड्रॉयड मोबाइल भी इतना ही टाइम लेता है जितना के ये जैज 4G, और जिस तरह ये 4G स्टार ले रहा है, देखिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ कि भाई यार के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज किया गया हो, बहुत ही अच्छी लुक है। इसके अलावा इस तरह आपको बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है कि भाई यार के आपको टेंशन ना हो कि भाई किसी तरह आपको। अगर इसके अलावा अगर बात की जाए फेसबुक की, आप फेसबुक की इसमें आईडी लॉगिन करें, मेंशन करें। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक की आप इसमें कोई भी आईडी मेंशन करें, इजीली आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए और फंक्शंस की, तो और फंक्शंस को मैं हाईलाइट करके आपको बताना चाहूँ कि भाई यार ये सारे जो फंक्शन उन्होंने दिए गए हुए हैं ये फेक नहीं है भाई मेरे, बहुत ही ओरिजिनल फंक्शन है और अच्छी क्वालिटी में ये है। गूगल क्रोम को अगर आप सर्च करते हो तो आपको इजीली किसी मोबाइल का रेट वगैरह चेक करना है, किसी डिवाइस का रेट चेक करना है तो आपको इजीली वो मिल जाएगा। ये मैं फेक बात नहीं कह रहा, ये एक रियल प्रोसीजर है जो मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। इधर अब अगर आप गूगल में कोई फेसबुक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इजीली, किसी तरह भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट्स की, तो हॉटस्पॉट भी एक बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस तरह मैं अगर आपको आपके सामने हॉटस्पॉट ओपन करूं, जैसा कि मैंने हॉटस्पॉट ओपन किया और अपने किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो आपको नज़र आ रहा होगा 4G स्टार। मैं 4G स्टार को क्लिक करूं तो वो कहेगा भाई यार इसका क्या कोड है, तो मैं तो ये आपको सी नज़र आ रहा होगा कि प्रोसीजर चल रहा है और कनेक्ट हो रहा है। ये देखें कनेक्ट हो गया, तो आपको अगर मैं इसकी स्पीड्स की बात करूं बहुत ही एक, ये देखें यूट्यूब चलते ही हमें बहुत ही एक अच्छा मज़ा आने वाला है कि भाई बेफिक्र हो जाओ, ये देखो केक को बहुत अच्छा हाउसबोट होने वाला है, फेक नहीं है। ये देखो इधर लगाए, इजीली आप जिस तरह मर्जी पेंडिंग करके वीडियो को चलाएं आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो मैं स्पीड टेस्ट भी आपको करके दिखाना चाहूँ, आपको स्पीड से अंदाज़ा आ रहा होगा कि बहुत ही एक अच्छी और फास्ट स्पीड है हॉटस्पॉट की। ये भाई सोचे ना कि भाई यार कुछ
कोई भी लोग कमेंट्स अगर बैड करते हैं तो भाई चीज़ बैड होगी। नहीं भाई, ये बहुत ही एक अच्छी डिवाइस है, 4G डिवाइस। अगर थोड़ा सा अगर इसकी वेट की बात की जाए तो वेट थोड़ा ज़्यादा है इसका, क्योंकि दो बंदे, एक बंदा आसानी से इसके कैरी कैरी भी कर सकते हैं। जो भाई नॉन पीटीए वाले हैं, जो नॉन पीटीए फ़ोन ले सकते हैं, वो यही बोलते हैं भाई यार हम इस फ़ोन को बाय करके कैरी कर सकते हैं इजीली, कॉल वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, हर चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसकी वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल की बात की जाए तो इसके कैमरे के हिसाब से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की कॉलिंग भी इसमें चलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारी ऐप तो ओपन हो चुकी है मेरे अंदाजे से। इसको अगर ओपन करते हैं तो आपको स्पीड टेस्टिंग के बारे में भी बता सकता हूं कि भाई यार स्पीड टेस्टिंग अच्छी अच्छी ही होने वाली है। तो चलें इसको एग्री करते हैं और आपको इसकी स्पीड टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। तो आपको अगर मैं स्पीड टेस्टिंग आपके सामने ही चेक कर रहा हूं कि आपको कोई ज़रा गुमान ना रहे कि भाई यार ये भाई फेक बात कर रहे हैं, ओरिजिनल बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे इलाके के हिसाब से ये 6 MB, 4 MB, मतलब कि बहुत ही एक अच्छी स्पीड होने वाली है। इसके अलावा अगर किसी अच्छे नेटवर्क की मैं सिम डालूं तो स्पीड 10 MB से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी स्पीड एक बहुत ही मज़े की स्पीड है। देखिए ना, आपको नज़र आ रहा होगा कम ज़्यादा हो रही है। बाकायदा तो हमारी इसी जिस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम।